नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ विजन बोर्ड के बारे में। सो बेसिकली हाउ आई क्रिएटेड माय विजन बोर्ड, उसकी जर्नी बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना विजन बोर्ड बनाया है। एंड विजन बोर्ड आई एम श्योर काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि विजन बोर्ड काम क्या करता है और उसको क्यों रखना चाहिए। तो जो लोग डायरेक्टली हाउ आई क्रिएटेड विजन बोर्ड वाले वीडियो पे जाना चाहते हैं उसका टाइम स्पैम यहाँ पर दिया हुआ है। एंड जो लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, सो येस विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। विजन बोर्ड जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। बेसिकली विजन बोर्ड को हम लोग ड्रीम बोर्ड भी कहते हैं। ड्रीम बोर्ड आप या विजन बोर्ड आप ये बोल सकते हो इज अ कोलाज ऑफ ऑल द इमेजेस, पिक्चर्स एंड अफर्मेशन ऑफ योर डिजायर और योर ड्रीम्स। तो बेसिकली आप जो चाहते हो या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ इस तरह से होनी चाहिए आगे आने वाले कुछ सालों में, तो वो सारी चीजें आपको विजन बोर्ड पे लगाना होता है। मतलब आपका विजन क्या है, आप क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ को, किस तरह से वो कैसा फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो यू कैन ऑल्सो से दैट विजन बोर्ड इज डिजाइन टू सर्व एज अ सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन या इंस्पिरेशन। क्योंकि आप जब कोई चीज कंटिन्यूसली डेली देखते हो और उसके बारे में सोचते हो तो ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम भी करता है। जो चीज आप सोचोगे, जो चीज आप देखोगे, वो चीज करने के लिए आप ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे और वो चीज आपके पास आएगी। Why is it important to have a vision board? बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम ईयर के स्टार्टिंग में बहुत सारे अपने गोल्स बनाते हैं और हम सोचते हैं कि इस साल के एंड तक हमको हमारे आप को इस तरह से चेंज करना है, या हमारे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, या हमको ये जॉब स्विच करना है, या हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ये करना है, वो करना है। बट ईयर के मिड तक आते आते ऐसा हो जाता है कि वो सारे जो हमारे स्टार्टिंग में हमारे गोल्स होते हैं वो कहीं गुम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एंड समटाइम्स तो ऐसा होता है अगर हम लिख के नहीं रखो तो आप भूल भी जाओगे कि आपने क्या सोचा था स्टार्टिंग में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ विजन बोर्ड। या आप छोटा, जरूरी नहीं है कि आप बहुत फैंसी बनाओ, आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल सा बोर्ड बनाइए जिसमें आप इमेजेस लगा सकते हैं या आप लिख सकते हैं। बट आई वुड से कि इमेजेस वाला जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सिर्फ नोट डाउन करना। सो आपके गोल्स को अगर आप लिटरली चाहते हैं कि ये वर्क करे और ऐसा होना ही चाहिए, सो आई हाईली रेकमेंड यू कि आप एक बार विजन बोर्ड ट्राई जरूर करिए। मैंने कभी भी इतने बड़े विजन बोर्ड नहीं बनाए हैं। मैं विजन बोर्ड तो हमेशा से बनाती आई हूँ, बट मैं काफ़ी छोटे विजन बोर्ड्स बनाती थी, मतलब इतने बड़े साइज का नॉर्मली, और वो कहीं स्टिक कर दिया, अलमीरा में स्टिक कर दिया, कहीं पर भी स्टिक कर दिया। मैं कभी पब्लिकली बताती नहीं थी, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू शो यू माई विजन बोर्ड कि एक्चुअली में मेरे विजन बोर्ड्स में अभी क्या क्या है और किस तरह से मैंने बनाया है। मॉडल सबसे पहले तो तैयार करना पड़ेगा कि आपको बेसिकली आप चाहते क्या क्या हो, जिसका जिसके बारे में मैं यहाँ पर एक क्लिपिंग डाल दूंगी कि किस तरह से मैंने अपना मॉडल प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पर आप एक मॉडल प्रिपेयर कर लीजिए कि बेसिकली आप चाहते क्या हैं। तो आप सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए, जैसे इस तरह से मैंने ना सेक्शंस में डिवाइड करके रखा है। मैंने एक होम का सेक्शन बना के रखा है, एक वर्क का सेक्शन बना के रखा है, फिनेंस का सेक्शन बना के रखा है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का, रिलेशनशिप का, फैशन का, लाइफस्टाइल का, वर्क, जॉब, बिजनेस, ऐसे मैंने अलग अलग सेक्शंस बना करके रखे हैं। अब एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज होम में आपको किस तरह का घर आप इमेजिन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका घर पूरा वाइट हो, बहुत मिनिमलिस्टिक हो, या आपका कलरफुल हो, ब्राइट हो, जैसा भी आप अपने घर को डेकोर करना चाहते हैं, आप इमेजिन करते हैं कि आपका घर वैसा हो, उस तरह के पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीनरी भी मेंशन करी है, मुझे पीसफुल घर का पसंद है, मुझे मिनिमल थोड़ा सा डिजाइन भी होना चाहिए, ऑल्दो मिनिमल मेरा घर अभी है नहीं, बट स्टिल आई वॉन्ट कि ऐसा होना चाहिए। देन फैमिली एंड फ्रेंड्स में मैं क्या चाहती हूँ कि भाई इन लोगों के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो, मेरी फैमिली हैप्पी रहे, हेल्दी रहे हमेशा, ये मैं इमेजिन करती हूँ और मतलब एक्सपेक्ट करती हूँ कि ऐसा रहे। फाइनेंस में मैं क्या चाहती हूँ, फाइनेंस में सेविंग्स चाहती हूँ, अपनी फाइनेंशियल जो है इनकम है वो मैं और सिक्योर होना चाहती हूँ, फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख करके रखे हैं। जैसे फाइंडिंग अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम आप मान के चल सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको कुछ करना है, तो आप ऐसे पॉइंट्स, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने कि आप इस तरह से यहाँ पर मैंशन कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं लाइफ स्टाइल, हेल्थ एंड सेल्फ
केयर में, तो यहाँ पर भी आपको अपने लाइफ स्टाइल में आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं, आप हेल्थ में, सेल्फ केयर में क्या करना चाहते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ आप कैसे करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पर मैंशन कर लीजिए, जो भी आपके दिमाग में आता है। आप 2-3 दिन लीजिए इसको कि आप एग्जैक्टली क्या इमेजिन करते हैं, क्या आपकी विजन्स हैं। एंड टाइम लगता है इसको थोड़ा सा, एकदम सब कुछ आप जब बैठते हो करने के लिए तब याद नहीं आता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। फिर उसके बाद फैशन में, फूड में, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो आप मैंशन कर सकते हैं। देन आते हैं वर्क, जॉब एंड बिजनेस में, आपका वर्क जॉब से रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कोई प्लान है आप वो यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। देन आपके ट्रैवल प्लान क्या हैं, आप कहाँ जाना चाहते हो, या जो भी है आपका यहाँ पर आप मैंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा विजन बोर्ड बेसिकली कैसा होना चाहिए उसका चार्ट मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी और मुझे काफ़ी ईजी हो जाएगा। मैंने एक पेज में सारी चीज़ें लिख दी है कि मुझे भाई क्या क्या चाहिए। करती रही हूँ, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को पता होगा जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, तो मेरे पास इस तरह की बुक्स नहीं है, मैगजीन्स नहीं है जिसके ऊपर से मैं कटिंग्स ले सकूँ। तो मैंने इंटरनेट से, पिंटरेस्ट से काफ़ी ब्यूटीफुल इमेजेस जो मुझे पसंद है, जिस तरह की कलरफुल एंड इस तरह की इमेजेस मैंने डाउनलोड करी एंड उसके प्रिंट आउट निकाल करके उसकी कटिंग कर ली थी। तो मैंने यहाँ पर सारे पिक्चर्स डाउनलोड कर लिए थे ऑलरेडी और यहाँ पर मैं कैनवा यूज़ कर रही हूँ लैपटॉप वर्जन में। आप चाहें तो ऐप भी इसके अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो पिक्चर्स हैं जो मैंने अपने लैपटॉप में डाउनलोड करे थे उनको यहाँ पर अपलोड किया और अपलोड करके मैं पोस्टर के फॉर्म में इसको लगाती जा रही हूँ एंड देन PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लूँगी, इससे ईजी रहेगा। तो मैंने काफ़ी सारे पिक्चर्स यहाँ पर लगा दिए हैं कैनवा में, मैं काफ़ी सारे अपने जो थंबनेल्स है वो एडिट भी करती हूँ एंड सारा कैनवा पर ही नहीं यूज़ करती हूँ, मैं अलग अलग ऐप्स यूज़ करती हूँ। आप मुझे बताना अगर आपको देखना हो कि मैं अपने थंबनेल्स कैसे बनाती हूँ। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से सारे जो भी इमेज मैंने डाउनलोड करे थे हर जगह से वो इस पर अपलोड करे हैं एंड देन एक एक करके मैं साइज़ वाइज क्रॉप करके एंड काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं, पोस्टर मेकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं ऐसे पेस्ट करती जा रही हूँ। मुझे इस तरह का एक कार्डबोर्ड चाहिए, आप चाहे तो व्हाइट कलर की शीट पे भी बना सकते हैं। मैंने किस तरीके से बनाया है वो मैं अपना आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि इस कार्डबोर्ड में ये एकदम परफेक्ट साइज है जो मुझे चाहिए। बट इस कार्डबोर्ड में ये बीच में आप देख रहे हो ऐसे लाइंस हैं एंड ये है, तो इसलिए मैं, मेरे पास एक इस तरह का जिसमें मेरा फर्नीचर आया था वो है, ये काफ़ी क्लीन है तो मैं इसके साइज का इसको कट कर लूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कटिंग एंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, आप जो कलर यूज़ करना चाहते हैं आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं बट मुझे वाइट बेस चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर मैं जो वॉल पेंट होता है, इनेमल कलर्स जो होते हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप जो आपके पास अवेलेबल हो, लाइक आप पोस्टर कलर, फैब्रिक कलर, एक्रेलिक कलर, आप ऑयल पेंट यूज़ कर सकते हैं, आप चॉक पेंट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप कोई सा भी कलर सिलेक्शन यूज़ कर चॉइस कर सकते हैं, लाइक आप पिंक ब्लू जो करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर वाइट बेस कर रही हूँ तो अभी फटाक से पेंट करूँगी आगे पीछे दोनों साइड, 2-3 कोटिंग्स मुझे लगी इसमें एंड फिर देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे। ये मैंने कलर प्रिंट आउट्स जो है वो निकाल लिए हैं, बहुत ही परफेक्ट आए, जैसा मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही आए हैं। अब मैं इनकी कटिंग करना स्टार्ट करूँगी बिकॉज मैंने बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकाले हैं, उसमें से मैं कुछ सिलेक्ट करने वाली हूँ, बाकी के जो है वो रखूँगी। मतलब मैंने ऐसे ही सोचा था कि अपने मूड के अकॉर्डिंग मैं उसको सेट करूँगी। तो यहाँ पर मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगी सारे जितने भी मेरे प्रिंट आउट्स हैं उनकी।
ना मैंने अपने बोर्ड पे सारे ऐसे रख के देख लिए स्टिकर्स कि हाँ मुझे किस तरह का पैटर्न चाहिए और कैसा क्या रखना है, मुझे इमेजेस कहाँ लगानी है, कहाँ पर मुझे स्टिक करना है, ताकि अदरवाइज मैं पहले ही स्टिक कर दूँ और फिर वो अच्छा ना लगे तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगेगा. तो इसलिए मैंने इसको ऐसे जमा दिया है एंड मैंने पिक्चर क्लिक कर लिया मोबाइल में. तो अब मैं इसको स्टिक करना स्टार्ट करूँगी अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज मुझे ऐसे ही पैटर्न कुछ चाहिए रहेगा. हो सकता है स्टिक करते करते मुझे कुछ और भी अच्छा लग जाए तो मैं वो भी चेंज कर सकती हूँ. तो यहाँ पर मैं फेविकॉल की हेल्प से स्टिक करना स्टार्ट करूँगी. कंप्लीट विजन बोर्ड अभी ये फ्रेम में आई थिंक आ नहीं रहा है, तो मैं एक एक करके आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि बेसिकली इसका पर्पस क्या है. तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ मैंने जो जैसे अपने फाइनेंस में सेविंग्स के नंबर्स नहीं लिखे हैं कि मुझे कितना, वो ऑब्वियसली मैं पब्लिकली वो नहीं शो कर सकती हूँ. देन दूसरी चीज़ मैंने अपना जो वर्क है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में भी मैंने नंबर्स नहीं मैंशन करे हैं, बिकॉज इसमें मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब में 5 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए या मुझे 6 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए ऑब्वियसली. बट मेरा मेन पर्पस है ग्रो होना, मतलब यूट्यूब भी हमारी कम्युनिटी एज ए ग्रो हो, मेरा कंटेंट भी ग्रो हो. कंटेंट मतलब मेरी एडिटिंग स्किल्स ग्रो होना चाहिए. मैं किस तरह से वीडियोस पहले बनाती थी उसमें हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ मैं नया सीखती रहूँ. तो उस तरह से आप भी ग्रो हो, मैं भी ग्रो हूँ, तो उस तरह से मुझे ग्रो होना है, नॉट इन नंबर्स ओनली. तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं लिखे. सेम विद द इंस्टाग्राम एज वेल, मुझे इंस्टाग्राम एज अ होल कम्युनिटी ग्रो करना है, नॉट इंडिविजुअली नंबर्स मेरे सिर्फ ग्रो हो जाए. वो नंबर्स तो आप खरीद करके भी ले सकते हो सर, नॉट अ बिग डील. सो दैट्स व्हाई मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कोई नंबर्स मेंशन नहीं करे हैं. और मैंने बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सिंपल सा अपना विजन बोर्ड बनाया है. जैसे ही मुझे अपनी लाइफस्टाइल चाहिए, जो चेंजेस मैंने अपने लाइफस्टाइल में लास्ट ईयर इमेजिन करे थे, वो काफ़ी हद तक मैं ये बोल सकती हूँ अब हाफ पे आ चुकी हूँ, बट स्टिल हाफ वे मुझे आना और है. तो वो तो ग्रो तो आप हमेशा करते ही रहते हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन करी है. काफ़ी सिंपल बनाया है, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बंगलो चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बट मेरे काफ़ी सिंपल से गोल्स हैं. द मेन पर्पस ऑफ दिस विजन बोर्ड इज कि मैं सेटिस्फाइड होनी चाहिए अपनी जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ उससे. सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. सो या अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि बेसिकली मेरा विजन बोर्ड का पर्पस क्या है. दिस इज माई विजन बोर्ड, ये मेरा कंप्लीट विजन बोर्ड है. अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा हेल्थ सेक्शन है एंड वेल बीइंग के लिए है, और यहाँ पर मेरा वर्क, मनी और ट्रैवलिंग इन सबसे रिलेटेड है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेफ्ट हैंड साइड. सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट थॉट मैंने लिखा, इट्स नॉट योर सैलरी दैट मेक्स यू रिच, इट्स योर स्पेंडिंग हैबिट्स. जो कि मैं पहले इस पर बिलीव नहीं करती थी, बट मैं अब इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इस कोटेशन के ऊपर, कि आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत बहुत मैटर करती है. देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं, मनी लुक्स बेटर इन द बैंक देन इन योर क्लॉजेट. मैंने अपना मेकअप शॉपिंग कंट्रोल कर लिया है, बाकी की इंपल्सिव शॉपिंग जो होती है, फुटवेयर, बैग्स, ये वो सारी चीज़ें मैंने कंट्रोल कर ली है. बट एक कपड़े ऐसी चीज़ें जो अभी तक शायद मुझसे इतनी कंट्रोल नहीं हुई है जितना मैं चाहती थी. तो इसलिए मैंने ये कोड डाउनलोड करके रखा है कि मनी लुक्स बेटर इन द बैंक देन इन योर क्लॉजेट, ताकि मैं इसको डेली देखूँ और शायद मुझे कुछ मोटिवेशन मिले. देन उसके बाद माई गोल इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम. मैं टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहती हूँ अपनी. देन उसके बाद रियल, नॉट परफेक्ट. आपको रियल होना ज़रूरी है, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है. देन सेविंग्स, ये मैंने मेंशन करके रखा है कि भाई हमको सेविंग्स बहुत खतरनाक तगड़ी करनी है मुझे. देन यहाँ वर्क रिलेटेड आते हैं, तो मैंने जैसा कि बताया कि मैं यूट्यूब को ग्रो करना चाहती हूँ एज अ होल कम्युनिटी, मतलब उसमें मेरी एडिटिंग स्किल्स होनी चाहिए, मेरे थंबनेल्स ग्रो होने चाहिए, मतलब कुछ सारी चीज़ें मैं एज अ कॉन्टेंट क्रिएशन में ग्रो करूँ. नंबर्स तो फिर ऑटोमेटिकली ग्रो हो ही जाएंगे, तो मुझे उस पर्पज से ग्रो करना है. देन अगेन इंस्टाग्राम पर भी, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल से इमेज है ना, पानी डाल रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहा है, तो ऐसे मुझे अपना इंस्टाग्राम स्लोली एंड स्टेडी मैं ग्रो करूँगी. एंड यहाँ पर ये कैमरा है, ये सेम मॉडल है जो मुझे अपग्रेड करना है बीइंग अ यूट्यूबर. मुझे एक अच्छे एक और कैमरे की काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मुझे एक कैमरा मेरे विशलिस्ट में है. जनवरी में विक्की ने मुझे बोला था कि वो बर्थडे में मुझे गिफ्ट करेगा, बट मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, ये मैं खुद ही परचेस करूँगी जब मुझे लगेगा कि अभी मैं कर सकती हूँ ये. एंड उसके बाद आते हैं लैपटॉप के लिए, तो ये भी मुझे परचेस करना है. इस साल पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट नेवर माइंड, ये खरीदूंगी मैं.
जल्दी ही, ये भी मेरे एक विश लिस्ट में है। और उसके बाद आते हैं ट्रैवल पे, तो इन चार जगहों पे ही मुझे जाना है और पर्टिकुलरली इस होटल में मुझे रुकना है। एंड ट्रैवल की तो हम बात कर ही नहीं सकते, ये मैंने ईयर स्टार्टिंग में बनाया था गोल अपना, बट क्योंकि मैंने अभी विजन बोर्ड बनाया था, मैंने डाल तो दिया ही है कि मुझे इन चार प्लेसेस में, ये जो जगह आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर की है और ये तीन बाहर की है, इनमें से दो जगह मैं इस साल जाने वाली थी और हमारा एक ट्रिप मार्च में प्लान था, बट नेवर माइंड, ये बाद में कभी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर ऊपर, तो अगेन यहाँ पर बाय लेस चूज वेल मेक इट लास्ट, इसके भी ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एकदम से आप अपने आप को ओवर द नाइट चेंज नहीं कर सकते हो, मैंने जैसी थी उससे मैंने अपने आप को बहुत ग्रो किया है, बट धीरे धीरे और ग्रो जाएगा। सो लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट। आते हैं यहाँ पर, मैंने इंस्पायर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर बी पेशेंट लिखा हुआ है क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, तो ताकि मैं देखती रहूँ बी पेशेंट। सो मैंने यहाँ पर मैंशन किया है, देन दिस इज़ मिनिमलिज्म, आई एम प्रैक्टिसिंग मिनिमलिज्म, ये कोई ओवर नाइट होने वाली चीज़ नहीं है, बट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी हूँ इस वर्ल्ड की तरफ, इस लाइफस्टाइल की तरफ, तो वो धीरे धीरे होगा। काफ़ी चीज़ों में मैं कर रही हूँ कोशिश, बट एकदम से इम्पल्सिव बायर से मैं मिनिमलिस्टिक तो नहीं हो सकती हूँ, बट हाँ धीरे धीरे मैं एक मिडिल पॉइंट पर आ चुकी हूँ। मतलब एक घर का वो बनाया हुआ है, अभी आप देख सकते हैं कि मेरा घर इसी तरह के का है, इसमें वाइट कलर्स हैं, काफ़ी सारे ग्रीनरी है, वुडन कलर्स हैं एंड कुछ कुछ पेंटिंग्स हैं, नीट एंड क्लीन। यहाँ पर मैंने कोड डाला है डू इट फॉर मी, इस जो भी चीज़ें कर रही हूँ सब मैं अपने खुद के लिए कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लटर्स स्मूदर सिंप्लिसिटी एंड ब्रीथ, आप क्लटर फ्री रखो अपना घर, स्मूदर रखो, सिंप्लिसिटी से जियो एंड ब्रीथ करो, तो एक काफ़ी अच्छा सा कोट है, ये सब मैंने पिंटरेस्ट से निकाले हैं। देन यहाँ पर आते हैं तो बैक टू बेसिक्स, एक्चुअली में हम बहुत बेसिक चीज़ें ही कर रहे हैं, कोई मैं बहुत खतरनाक ड्रीम और विजन नहीं डाल करके रखा है मैंने, आई थिंक काफ़ी सारे लोग ये फॉलो कर रहे होंगे, बट मैं नहीं कर रही थी जो कि मुझे करना है। यहाँ पर मैंने डाल के रखा है प्योर प्लस सिंपल, एंड देन आई एम रिच इन ऑल द एरियाज ऑफ माई लाइफ, ताकि मैं ये देखती रहूँ पॉजिटिव कोट, और अगर नहीं भी है तो भी हम ऐसा सोचेंगे तो शायद होने लगेगा। अवर हैप्पी लिटिल फैमिली, हमारी फैमिली के लिए लिखा हुआ है, देन गुड फूड इज इक्वल्स टू गुड मूड, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, गुड स्किन गुड मूड गुड डे, ताकि मैं अपने स्किन का भी ध्यान रखूँ, मास्क लगाती रहूँ, स्किन केयर करती रहूँ। उसके बाद गुड वाइब्स ओनली, इस तरह से मैंने एक पिक्चर लगा के रखा हुआ है, हैप्पी सी पिक्चर है, देन वी आर हैप्पी, वी आर थैंकफुल, वी आर फैमिली। यहाँ पर मैंने ग्रैटिट्यूड का छोटा सा वो लगाया हुआ है, ये है कोकोनट वाटर, ताकि मैं डेली कोकोनट वाटर पीऊँ, अभी तो खैर मिल नहीं रहा है लॉकडाउन की वजह से, बट ये एक अच्छी है। उसके बाद ईट हेल्दी, मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज़्यादा खाऊं, हम इसका इस पिक्चर का मतलब है कि होम कुक्ड फूड। उसके बाद ड्रिंक मोर वाटर, मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, तो मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मैं पानी ज़्यादा पीऊँ। ये मेडिटेशन है, दिस इज योगा और एक्सरसाइज आप बोल सकते हो, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं लगाया जो मैं अचीव नहीं कर सकती हूँ, बट ट्रस्ट मी मैं ये सब सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रही थी और मुझे करना है। मैं अपनी लाइफ को यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इधर से ज़्यादा इधर बहुत अच्छे से चीज़ें लगाई हुई हैं, बेसिक चीज़ें, क्योंकि अगर ये सब बेस्ट हो गया ना तो ये सारी चीज़ें अचीव करना बहुत ईजी है। विजन बोर्ड, आई होप आपको उससे थोड़ी हेल्प मिली हो। वीडियो आई होप रियली लाइक दिस वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, अगर हेल्पफुल रहा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, हो सकता है उनको भी इस वीडियो से काफी हेल्प मिले। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।